हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन्हें टेंस नहीं आता। तो चलिए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को समझते हैं। तो टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। इस टेंस में हम लोग उन बातों को रखते हैं जो बातें बीत चुकी होती हैं। प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और इसमें हम लोग उन बातों को रखते हैं जो बातें वर्तमान में चल रही होती हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल, इसमें हम लोग उन बातों को रखते हैं जो फ्यूचर में होने वाली होती है, जो चीज़ें हुई नहीं होती हैं पर होने वाली होती हैं, ठीक है ना। एक एक एग्जांपल से हम लोग तीनों टेंस को पहले समझ लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि कल मैं दिल्ली गई थी, अब मैं दिल्ली जा चुकी हूँ, तो ये बात है पास्ट टेंस की, ओके। अगर मैं कहूँ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो ये काम मेरा प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। एंड अगर मैं बोलूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊँगी, ये बात हो रही है जाने की, यानी कि फ्यूचर में होने की, तो ये हो गई फ्यूचर की बात, फ्यूचर टेंस। आई होप कि आपको समझ में ये तीनों टेंस आ गए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो चलिए समझ लेते हैं, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो टेंस, वो सेंटेंस पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। ऑल राइट, अगर कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है, आपको सबसे पहले उसके लास्ट में चेक करना है क्या था, थे, थी, या, ये सारे वर्ड्स मिल रहे हैं। अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स मिल रहे हैं तो वो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट टेंस। इसी तरह मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको है, हूँ, हो मिलता है तो वो टेंस हो जाता है, सॉरी, वो सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट टेंस। इसी तरह अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको गा, गे, गी, ये सारे वर्ड्स मिलते हैं तो वो फ्यूचर टेंस हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। ऑलराइट, तो देखते हैं पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो पास्ट टेंस है वो चार प्रकार के होते हैं। इसमें हमको चार प्रकार के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। एक तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमको मिलता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड तीसरा मिलता है पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह हमको प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी टेंसेस देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये प्रेजेंट टेंस होता है, राइट, ये पास्ट टेंस ना होकर प्रेजेंट होता तो इसमें क्या होता, चेंजेस केवल ये आती कि ये पास्ट यहाँ से हट के यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट लिख देते, तो ये क्या हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सारे टेंसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। अभी हमने जस्ट जाना है कि कोई भी सेंटेंस मिलता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर। इसी तरह हम लोग जानेंगे, सब अगर हमने जान लिया कि वो सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट के किस टेंस में है, वो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो सिंपली हमको क्या समझना है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएंगे। ता, ते, ती के केस में क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ता था, ते थे, ती थी, राइट। अगर ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं तो वो हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। वेल, अभी इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से इसे समझेंगे। एंड अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस हमको समझना है कि कोई भी सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस है
इसके लिए आपको सेंटेंस के लास्ट में ये चेक करना है, रहा था, रही थी, रहे थे। ये सारे वर्ड्स देखने को अगर आपको मिलते हैं तो वो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऑल राइट, इसी तरह पास्ट परफेक्ट को हम लोग पहचान लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे देखने को मिलता है तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में टाइम देखने को मिलता है तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी हम लोग इन सारे टेंसेस के एग्जाम्पल को देखेंगे जिससे कि ये और भी अच्छे से हमको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमको चार टाइप के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। ये चार टाइप के ये सेंटेंस है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि एकदम सिंपल सा सेंटेंस होता है, इसमें कोई भी झंझट नहीं होती। नेगेटिव सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा होगा कि वो सेंटेंस नकारात्मक होगी। ऑल राइट, एंड थर्ड में आपको देखने को मिलता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं वो। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में ये हो जाता है फोर्थ वाला। तो चलिए इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? किसी भी सेंटेंस, मतलब कि आपने सेंटेंस को पहचान लिया कि वो पास्ट इंडेफिनिट है और इसका अफर्मेटिव है, तो आपको रूल पता होना चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लोग लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म को, देन हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसने एक गीत गाया। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो उसने जो है इसमें एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंग मीन्स होता है गाना गाना, और सिंग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सैंग, एंड लास्ट में हम लोग लिख देते हैं अ सॉन्ग। तो ये कंप्लीट हो गया, सी सैंग अ सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वे आगरा गए। अब देखिए हमको लास्ट में गए मिल गया ना, ये भी हमने पढ़ा है अभी जस्ट ऊपर। तो वे आगरा गए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देखो जाना का होता है गो, एंड देन गो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट। तो यहाँ पे हम लोग वेंट का यूज़ किए हुए हैं, दे वेंट टू आगरा। अब आप बना के बताइए कि मेरी माँ ने खाना पकाया, इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो भी वर्ब रहेगा बस उसको सिंपली हम लोग लिख देंगे, देन ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है एक सेंटेंस, उसने एक गीत नहीं गाया, तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया सी, फिर लगाएंगे डिड नॉट, डिड नॉट भी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, तो उसने गीत गाया, गाने का क्या होता है, सिंग होता है, फर्स्ट फॉर्म है, हमने सिंग लगा दिया, एक गीत गाया, अ सॉन्ग हो गया, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक, उसने एक गीत नहीं गाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वे आगरा नहीं गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हो जाएगा वे का दे हो जाएगा, फिर डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन बाकी का, दे डिड नॉट गो टू आगरा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका भी रूल हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिड, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझते हैं। क्या उसने एक गीत गाया, क्या उसने एक गीत गाया? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिड, तो हमने डिड लिखा, सब्जेक्ट में उसने है, उसने का हो जाएगा सी, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना गाने का हो जाएगा सिंग, एंड एक गीत का हो जाएगा अ सॉन्ग, डिड सी सिंग अ सॉन्ग। ठीक, डिड सी सिंग अ सॉन्ग। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे आगरा गए, क्या वे आगरा गए? सबसे पहले हम लोगों ने लिखा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, एंड देन बाकी का,
डिड दे गो टू आगरा? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. लास्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं. जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है, क्या उसने एक गीत नहीं गाया? सबसे पहले हम लोगों ने लिखा डिड, फिर सब्जेक्ट में उसने है, उसने का हो जाएगा सी, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने लिखा सिंग एंड अ सॉन्ग हो गया. इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या वे आगरा नहीं गए? सबसे पहले हम लोगों ने लिखा डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड दे नॉट गो टू आगरा. आज के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को.